आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आगरा जनपद में संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को 3 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब तक 1034 मरीज कोरोना संक्रमण को मात दे चुके हैं। गुरुवार को 3 मरीज हुए स्वस्थ। आगरा जनपद में संक्रमित मरीज लगातार ठीक हो रहे हैं। गुरुवार को 3 मरीज स्वस्थ हुए जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जिले में अब तक 1034 संक्रमित मरीज हुए स्वस्थ। आगरा में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या 1000 से अधिक पहुंच चुकी है। जिले में अब तक 1034 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। आगरा में संक्रमित मरीजों की रिकवरी रेट 82.52%। आगरा जनपद में संक्रमित मरीजों की रिकवरी रेट 82.52% है, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। आगरा में अब तक 130 एक्टिव केस। आगरा जनपद में इस समय 130 एक्टिव केस है, जबकि मई के महीने में संख्या 67 थी। वहीं 30 जून को एक्टिव मरीजों की संख्या 111 थी। जिले में अब 52 कंटेनमेंट जोन। आगरा जनपद में इस समय 52 कंटेनमेंट जोन है। संक्रमित मरीजों की संख्या के आधार पर कंटेनमेंट जोन में बदलाव किया जाता है। महानगर में 34 कंटेनमेंट जोन। आगरा महानगर में 34 कंटेनमेंट जोन है, जिनमें से 5 पर बफर जोन का कवर है। देहात के 18 गांव कोरोना पीड़ित। देहात में कोरोना वायरस पैर पसार रहा है। देहात के 18 गांव कोरोना पीड़ित है। 1 जुलाई को हुई 1 संक्रमित की मौत। जून के महीने में शुरू हुआ संक्रमित मरीजों की मौत का सिलसिला जुलाई में भी जारी है। 2 दिनों में 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक 89 कोरोना पीड़ितों की मौत। जून के महीने में 44 संक्रमित मरीजों की मौत हुई, जबकि अप्रैल में 14, मई के महीने में 28 संक्रमितों की मौत हुई थी। जिले में अब तक 89 मरीजों की मौत हो चुकी है। सी न्यूज के लिए विजय बघेल की रिपोर्ट।